भैया जी, ये चीज मैंने पहली बार देखी। इस पे ही फास्ट टैग होता है भाई साहब। ये गवर्नमेंट का होगा है ना, तभी फास्ट टैग है। इस पे देखो कितना तगड़ा फास्ट टैग, ग्रीन कलर का है और अपनी गाड़ी में ब्लू कलर का होता है। ये गवर्नमेंट का है इसलिए ग्रीन कलर का है। और बाकी तुम्हारे भाई देखो, अगर इसको कार में फिनिश कराएं तो ये कितने का होगा? ये देखो, आपकी जैसी एक घड़ी खरीद ली, कलर पिंक है। अच्छा, वो भी फोन पे। अच्छा, फोन तो मिलने वाले। देखो हमारे नाटक में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और आज व्लॉग स्टार्ट किया गांव से ही। तो अभी गांव में मैं, गांव में कैसे पहुंचा, सुबह सुबह राहुल निकल गया था। कहाँ राहुल निकल गया था? वापसी गुड़गांव अपने लेजेंडर के साथ, और ऊपर टेंट था उसके साथ। अरे रुक जा यार, थोड़ी देर बोलने दे कुछ। चलो भाई, अभी फिलहाल चल रहे हैं इनको लेके। कहाँ चल रहे हैं? कलानूर जा रहे हैं। इनको कुछ खाने पीने का मन है। इनका कुछ खाने पीने का मन है तो वो खिला के ला रहा हूँ इसको। रुक जा रुक जा, एक जगह है। हमारे चश्मे देखा है, इतना बढ़िया है। आप ये भी मेरे तो आँख में मारेगा, तू मेरे आँख में मारेगा। इधर ले भाई ले। अरे रहने दो, गंदा लग रहा होगा। ले ज्यादा कुछ घर का सामान ले रहे हैं दादाजी। और ये देखो क्या क्या बनाने इसको कल है? बता तो, इसे नाम नहीं बोला जा रहा भाई। पॉपकॉर्न का इंग्लिश में है? अरे बोल तो सही। अरे नहीं बोल तो सही। पॉपकॉर्न बोल, पॉपकॉर्न। देख लो भाई, लगा हुआ है चाउमीन खाने के, कोक के साथ भी रखी कोक। देख लो, मैं नहीं खा रहा भाई, मैं डाइट पे हूँ। एक प्लेट अकेला खा गया, देखो ये थोड़ी सी बची है। तो गाइस, कल कलानूर से आते आते गांव में वापसी हो गई थी रात। और रात होने के बाद आते ही खाना खा के सो गए थे। मम्मी की थोड़ी तबीयत डाउन थी भाई, मम्मी अभी थोड़ी ठीक है तबीयत। और ये देखो अभी मस्ती कर रहा है, साइकिल लेके कह रहा है कि मैं इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। चल ले आ जा, चढ़ा दी। चल ठीक है, आ जा। राशि पॉपकॉर्न बना रही है, पर पॉपकॉर्न की जगह पहले हम मैगी बना रहे हैं। मैगी ले आ जल्दी। लो भाई मैगी डाल दी बनने के लिए, अब तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। सागर कहाँ है? सागर कहाँ है? सागर जा रहा है। लो भाई मैगी बन के तैयार हो गई, अब इसको खत्म कर ले पहले। और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर चले गए। अभी भी आ गए आयुष के पास है, हैं सागर। तो चलो भाई अपनी रोडवेज चलाते हैं। मेरी हाँ बताऊँ, हाँ मेरी मम्मी ने भी एक आपकी जैसी एक घड़ी खरीद ली, कलर पिंक है। अच्छा, वो भी फोन पे। अच्छा, फोन तो मिलने वाले। अच्छा चल बढ़िया। तो भाई दादाजी की ड्यूटी है इस बस में। तो भाई अपने घर, हाँ अंकल जी की, पहले दादाजी थे, पहले दादाजी थे रोडवेज में, तो उनकी ड्यूटी रहती थी। तो तब है ना, मैं जितना हूँ सागर से थोड़ा बड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खेलता था बस में, बस में खूब खेलते थे। अब चाचा जी चला रहे हैं, उनकी ड्यूटी है। तो चलो भाई बढ़िया है, तो चलो बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे। ये देखो भाई साहब कितना बड़ा स्टीयरिंग व्हील है। ओहो, अगर इसको कार में फिनिश कराएं तो ये कितने का होगा? ये देखो, और ये लोकल का क्या वो स्टीयरिंग का, जी वैगन का स्टीयरिंग। पकड़ सर कैमरा, पकड़ जी वैगन का स्टीयरिंग। उंगली में लटाई है इसके आगे। ये देखो भाई इतना बड़ा गियर नो है। और अगर उनको भी यह नो लगे हो, ये वापस इसे चलाओ हो, और आपके इसके चलाने वाली का डॉक्टर लगा। अरे वाह, तगड़े सीन है भाई ये तो।
ये देखो अगर स्टोरी भी डाले तो कितना बड़ा शीशा है, दिखा जाएगा। अगर मान लो हमें स्टोरी भी डालनी होती है, देखो इतना बड़ा शीशा। अरे वाह क्या बात है, क्या नजारे हैं भाई, फर्स्ट एड बॉक्स। ये सही है भाई, ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इस बस में, और एक ये चीज वेरी गुड। तो चलो ये देखो इतनी सारी सवारी है, चलो भाई इकट्ठी करो सवारी। चलो ठीक है, ऐसे बोलो नजफगढ़ नजफगढ़ नाम लो, इन रेला मिठिया मी कड़वा करेला है ऐसा। ये टिकट टिकट चलो सीट नंबर सीट नंबर हाँ भाई सारा ज्ञान है इनको। देखो इसका और उनका यहाँ पे होता है कोई तार वगैरह बिठाना होता है, यहाँ पे नहीं होता इसका और कोई बटन स्विच वगैरह लगवा देते हैं शायद, ये हो पता नहीं कौन सा है। और इसका और भी इतना तगड़ा होता है भाई साहब। ये देखो भाई इसका ये क्या बोलते हैं इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें कितनी ये देखो एयर का है, ये किस चीज का भाई, इस पे लिखा नहीं हुआ, ये खराब हुई है, इसके अंदर पानी घुसा हुआ है शायद, पता नहीं क्या मिट्टी वगैरह है। ये शायद स्पीड का हो, कितनी स्पीड होती है इसकी मैक्सिमम देखो है, ये तो RPM है शायद, ये पता नहीं किस चीज का है, और स्पीड शायद यहाँ पे होती है। और भाई ये इसकी स्पीड दिखा कितनी रखी होती है मीटर में, और ये भागती क्या तगड़ी है भाई साहब, गाड़ी के साइड से शूं करके जाती है। वो कहते हैं ना हरियाणा रोडवेज नहीं रुकती भाई, और सब कुछ रुक जाता है। तो इसका वही काम है, क्या लिख रखा है, बोनट पर बैठना व पैर रखना मना है। सही बात है भाई बिल्कुल, ये भी हीट होता है ना यहाँ पे बोनट, तो इसलिए यहाँ पे पैर रखना मना होता है। भैया जी ये चीज मैंने पहली बार देखी, इस पे ही फास्टैग होता है भाई साहब, ये गवर्नमेंट का होगा है ना, तभी फास्टैग है इस पे, देखो कितना तगड़ा फास्टैग है, ग्रीन कलर का है, और अपनी गाड़ी में ब्लू कलर का होता है, ये गवर्नमेंट का है इसलिए ग्रीन कलर का है। और बाकी तुम्हारे भाई देखो, चलो भाई रोडवेज को बाय बाय कहते हैं, और अपनी गाड़ी खड़ी सामने उसको वॉश कर लें एक बार। हेलो भाई गाड़ी की वॉशिंग कम्प्लीट होने वाली है, जस्ट एक बार शैम्पू लग के फिर क्लीन हो जाएगी। रुक जा सिटी।